पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए गौरव यादव को स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। गौरव पंजाब पुलिस के ADGP के तौर पर भी काम करते रहेंगे, उनके पास पहले से ही ये जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और गौरव यादव के बीच पुराना नाता रहा है। दोनों ने एक साथ ही 1992 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी, जिसके बाद गौरव ने IPS की नौकरी ज्वाइन की, जबकि केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए चुने गए। गौरव यादव लंबे समय से पंजाब पुलिस में काम कर रहे हैं। 2014 में गौरव यादव के नेतृत्व में ही मोस्ट वांटेड आतंकी जगतार सिंह तारा को पकड़ा गया था। इसके अलावा गौरव यादव का पंजाब से भी पुराना नाता रहा है। वो सूबे के पूर्व DGP PC डोगरा के दामाद हैं और राज्य में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वो 2016 में अकाली भाजपा गठबंधन सरकार के दौर में इंटेलिजेंस विंग के मुखिया के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने पंजाब में 10 सालों तक SSP के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। यही नहीं, 2002 से 2004 के दौरान वो चंडीगढ़ में भी SSP के तौर पर काम कर चुके हैं। बता दें कि बीते कुछ सालों में ये दूसरा मौका है जब पंजाब में किसी पुलिस अधिकारी को इस तरह की नियुक्ति दी गई है। इससे पहले 2017 में ADGP हरप्रीत सिंह सिद्धू को भी ऐसी ही जिम्मेदारी मिली थी। उन्हें तत्कालीन CM कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया था। वो ड्रग्स के खिलाफ एक्शन के लिए बनी स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख भी थे। वहीं गौरव यादव को स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए जाने के मद्देनजर आम आदमी पार्टी हाईकमान के पंजाब सरकार में दखल के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये फैसला दिल्ली से लिया गया है, हालांकि इसे लेकर अब तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता राघव चड्ढा ही हैं, जिन्हें अब पंजाब से ही राज्यसभा भेजा गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।